देखते हैं, थर्ड हम लोग देखते हैं, लास्ट है हमारा थर्ड, नहीं लास्ट तो नहीं है, कौन सा थर्ड है हमारा, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा एनायन। ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा एनायन को हम लोग देखते हैं। इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा या तो लोन पेयर से पाई की तरफ या फिर एनायन से पाई की तरफ, लोन पेयर टू पाई या फिर एनायन टू पाई। कैसी कैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी ये दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है तुम्हें, देखो दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, यस पाई सिग्मा लोन पेयर नजर आया, सर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये ऐसा कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, या तो ऐसा कॉन्जुगेशन होगा या फिर पाई में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब ए ट्रिपल बॉन्ड बी फिर सी फिर लोन पेयर। अब इसमें देखो पाई सिग्मा लोन पेयर मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर ऐसा हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड हो मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर, कैसे ऊपर वाला पाई बॉन्ड हो नीचे वाला सिग्मा हो और एक ये लोन पेयर हो, मतलब पाई हो सिग्मा हो और ये लोन पेयर हो। या तो ऐसा होगा सेम ऐसा ही एनायन में हो सकता है, देखो एनायन में भी सेम है पाई सिग्मा एनायन, या फिर वही पाई सिग्मा एनायन या फिर पाई सिग्मा एनायन। इतनी बात समझ आती है सभी को, बोलो बताओ यार। यस अब देखो इसमें नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा जैसे कैटायन में लिखा था वैसा ही सेम एनायन में है, क्या ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर होगा तो हम बोलेंगे ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस विल नॉट डीलोकेलाइज। यार ऐसा लग रहा है आज मौसम को देख के कि शायद लाइटें जा सकती है, क्योंकि जैसे ही अप्रैल मई जून वाला मौसम आता है इधर राजस्थान वगैरह साइड में है ना, तेज आंधी तूफान धूल भरी आंधियां चलना शुरू हो जाते हैं। जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा शायद, ये मई जून के टाइम पे ऐसा ही होता है जनरली। मई जून में जैसे ही शाम होती है सूरज सूरज ढलता है मतलब सनसेट होता है, तो रात में शाम में तेज धूल भरी आंधियां चलती है। जैसे ही तेज आंधी डीलोकलाइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मान लो मैं जबरदस्ती डीलोकलाइज करवाना चाहूं तो क्या होगा, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, नेगेटिव से किसकी तरफ पाई की तरफ, ऐसा ही लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नेगेटिव टू पाई दिख रहा है ऊपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखो। अब अगर नेगेटिव यहाँ जाएगा, नेगेटिव ने पाई बॉन्ड बनाया तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के आगे वाले कार्बन पे जाके बैठ जाएगी, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। क्या मैंने सही किया, नो क्या सर, सही है, मतलब सही है, कैसे सही है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा। क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है और ग्रीन क्योंकि यहाँ पर ग्रीन क्या ग्रेनियन है ये एसपी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एसपी कार्बन है इसलिए, है ना, समझ गए, इसलिए डीलोकलाइज नहीं करेगा। क्लियर इतनी बात, बोलो। नोट का सेकंड पॉइंट, नोट का सेकंड पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इफ एन एटम हैज पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली है ना, देन ओनली पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज। अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर एक साथ है तो सिर्फ पाई बॉन्ड ही मेरा डीलोकलाइज करेगा, समझ गए कैसे।
देखो ऐसे, जैसे मान लो ये कंडीशन मैंने बनाई, मैंने पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनाई, ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कौन है? दिस इज पाइरिडीन या फिर पिरिडीन, कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिग्मा और पाई का, दिख रहा है? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, बट डीलोकलाइज कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ कौन डीलोकलाइज करेगा इसमें? पाई हाँ बॉन्ड, है ना? अच्छा मैंने ऐसा बोल दिया क्या? देन ओनली पाई बॉन्ड विल डीलोकलाइज। अच्छा यार इसमें तो गड़बड़ बोल दिया है, मतलब एक सेकेंड रुको। हाँ ऐसा लिखो इसमें साइमल्टेनियसली, देन वही तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है यार, क्या गड़बड़ हो गई? देन लोन पेयर विल नॉट डीलोकलाइज। अब देखो लोन पेयर को तुम डीलोकलाइज करवाना चाहो तो लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाके बढ़ जाएगी, तो कैसा बनेगा ये? ये बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे था जो चला गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बताओ ये पॉसिबल क्यों नहीं है? सेम एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है, समझ गए? थर्ड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं, पहले दो पॉइंट तो वैसे ही थे पाई सिग्मा के टाइम जैसे ही, थर्ड पॉइंट पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। देखो क्या है थर्ड पॉइंट, व्हेन लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन, व्हेन लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन इट विल नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। कैसे? देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल नंबर वन, CH3 CH2 NH2, इसमें इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या हाइब्रिडाइजेशन है इस नाइट्रोजन का बताओ? SP2 वो SP2। क्यों? काउंट नहीं करते ना, और ये जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में, और पी ऑर्बिटल ये SP2 के मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में। नहीं, रॉन्ग बोला ये तो। SP3 अरे हाँ सॉरी SP3 है, SP3 है। क्यों है SP3? क्योंकि क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा। रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए वो SP3 में है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर टू देखना है, ये चेक करना है कि कॉन्जुगेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा। इस लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस नाइट्रोजन का? SP2। क्यों? क्योंकि तो देखो यहां पर पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, बोलो। हाँ सर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो किसमें प्रेजेंट है? SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऊपर वाले में। और जो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो किसमें प्रेजेंट है बताओ? यहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्योर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मतलब SP2 के अलावा एक पी बच गया होगा ना, पी तो दो ही यूज हुए, एक पी मेरा बच गया होगा, तो वो पी में कौन बैठा हुआ है बताओ? वो पी में मेरा लोन पेयर बैठा हुआ है, समझे मेरी बात को? सर ठीक है, तो ये थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था हमारा। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट देखो क्या है। तो प्यार में कैसे, फिर उसका भी हाइब्रिडाइजेशन तो हो सकता है ना?
नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वो प्योर पी ऑर्बिटल में वो इधर उधर घूमता रहेगा, कभी प्योर पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड भी तो बनाएगा, कभी देखो कभी ये लोन पेयर इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड भी तो बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बन सकते हैं। तो वो पाई बॉन्ड किससे बनेगा, प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है? प्योर से बनता है। तो एक तो हमें खाली रखना पड़ेगा ना पी, इसलिए लोन पेयर रख के उसको खाली कर दिया, लोन पेयर कभी प्योर पी में है, कभी यहाँ से वो चला जाएगा तो उससे वो पाई बॉन्ड बना लेगा, समझे या नहीं समझे? समझ ठीक है। इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज प्रेजेंट एट ब्रिज हेड, ब्रिज हेड का मतलब समझते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन, बोलो, then it will not delocalize. अगर मेरा negative charge या lone pair bridge head position पर है तो वो delocalize नहीं करेगा। bridge head position का मतलब होता है ये जो मैंने green से dot बनाया है ना, green से dot, ये bridge head position है, समझे? बोलो। Yes sir. अगर मान लो यहाँ पर मान लो negative charge है, जो कॉन्जुगेशन में तो दिख रहा है पाई सिग्मा एन आयन का कॉन्जुगेशन है, बट ये डीलोकलाइज नहीं करेगा, समझ गए? क्यों नहीं करेगा? वो सिंगल है। नहीं, उसका रीजन मैं लिख देता हूं, ब्रिज हेड एटम शुड बी sp3 hybridized. अगर वो यहां पर कॉन्जुगेशन में चला गया तो ब्रिज हेड एटम मेरा sp3 नहीं रहेगा, sp2 हो जाएगा, sp2 का मतलब प्लेनर, तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में आ जाएगी। मतलब ऐसे होता तो क्या है कि एक ये 6 मेंबर का रिंग है और इसके ऊपर से ऐसे कनेक्टेड है, ये जनरली ऐसा होता है। अगर ये sp2 बन गया तो ऐसा हो जाएगा, एक ये है और इसी प्लेन में ये आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है हमको, समझे मेरी बात? बोलो। यस। ठीक है, चलिए फोर्थ कॉन्जुगेशन और हमारा सेकंड लास्ट कॉन्जुगेशन है, सेकंड लास्ट है ना, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल के बारे में तुम लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होगा, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल के बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे भी नहीं और ज्यादा हमारे यूज आता भी नहीं है। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको फ्री रेडिकल बोलेंगे, मतलब कुछ इस तरह का होगा, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, एक कार्बन हो उसके ऊपर, या फिर पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, या फिर पाई सिग्मा उसके ऊपर फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल। अब देखो इसमें कैसे कॉन्जुगेशन होता है वो मैं बता देता हूँ, ये इतना ज्यादा हमारे काम आता भी नहीं है, है ना, ऐसा होगा इसमें, है ना। अब इसमें देखो क्या होगा, कुछ इस तरह से कॉन्जुगेशन होता है, ये एक इस बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसलिए हाफ एरो से बनाए, इसको फिश एरो भी बोलते हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और ऐसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा यहाँ से, CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया था इसलिए इसके ऊपर फ्री रेडिकल हो गया, और इधर जो राइट वाला साइड था वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आया तो पूरा पाई बॉन्ड बन गया, समझे या नहीं समझे? समझ गए। ठीक है, अब इसमें नोट डाल के इसमें भी सेम वही बात लिखते हैं हम लोग, क्या जो पहले लिख रहे थे कि अगर ये फ्री रेडिकल है यहां पर तो हम लोग क्या बोलते हैं, This will not, और रीजन वही सेम है तो बार बार मैं नहीं लिख पा रहा, delocalize. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ कॉन्जुगेशन हमारा, फिफ्थ एंड लास्ट, पाई सिग्मा वेकेंट पी या फिर डी ऑर्बिटल। ठीक है,
पाई सिग्मा वेकेंट पी या फिर डी ऑर्बिटल। अब देखो क्या होगा, सर पाई नहीं होगा, पाई गलत लिख दिया है, ये होगा लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल। अब देखो, अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन पहचानना मुश्किल होता है। फिफ्थ वाले केस में क्या होता है, हम लोगों को कॉन्जुगेशन पहचानना ही बहुत मुश्किल होता है, हम ये पहचान नहीं पाते कि इसमें लोन पेयर सिग्मा और वेकेंट पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन है। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सी एच टू प्लस ओ लोन पेयर एच। अब इसमें वही कॉन्जुगेशन है, तुम्हें दिख रहा है क्या इसमें लोन पेयर सिग्मा वाला कॉन्जुगेशन? बोलो लोन पेयर सिग्मा वेकेंट पी और बैटल कॉन्जुगेशन दिख रहा है? हाँ सर। कैसे दिख रहा है? CH2 प्लस वाले एरिया में एक वेकेंट पी और बैटल है। देखो यहाँ पे तो लोन पेयर है, ये सिग्मा रहा, और क्या होगा इधर, इधर ये होगा, यहाँ पर CH2 प्लस है, तो इसमें क्या है वेकेंट पी और बैटल है। वेकेंट पी और बैटल कैसे पता चला? क्योंकि कार्बन देखो तीन ही बॉन्ड बना रहा है, कार्बन एक्चुअल में बॉन्ड कितने बना सकता है? चार बॉन्ड बना सकता है ना, बट बना तीन ही बॉन्ड रहा है, यहाँ पर बना तीन ही बॉन्ड रहा है, इसलिए वेकेंट पी और वाइटल है। अच्छा इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट, लोन पेयर टू वेकेंट और वाइटल, ऑब्वियसली वेकेंट और वाइटल की तरफ ही होगा, क्योंकि लोन पेयर के पास ही इलेक्ट्रॉन है तो वहीं से फ्लो होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हुए तो बस इधर चला जाएगा, ये तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर लूज कर दिया है और तीन बॉन्ड भी बना रहा है, उससे ही पता चल सकता है फॉर्मल चार्ज प्लस आ रहा है। देखो स्ट्रक्चर वन है, स्ट्रक्चर टू है, स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसमें सेकंड होएगा, सेकंड की ज्यादा है, क्यों? पाई बॉन्ड, सेकंड वाले में मतलब वीकेंड की और मेटल नहीं है तो कार्बन का मतलब उसके पास है चार इलेक्ट्रॉन। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ सर, हाँ सर आ रहा है। अरे यार वो ये ऐप हैंग कर गया था। बताओ, मैंने तुम्हें आंसर तो बता दिया, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों है ज्यादा ये भी तो बताओ। अरे यार ध्यान से देखो ना सेकंड वाले स्ट्रक्चर को। अरे पाई बॉन्ड की वजह से यार, देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, दिख रहा है सेकंड वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बस ऑक्टेट भी तो देखना होता है, पॉजिटिव चार्ज किसका आ रहा है ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी थिंग क्या है कि पहले देखो ऑक्टेट किस किसका कंप्लीट है किसका नहीं। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है सेकंड स्ट्रक्चर में, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, समझ गए? यस सर। तो एडवांस टाइम में क्वेश्चन है, 90 उल्टा मार्क करके आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, 90 वर्सन का उल्टा करके आ जाते हैं। हाँ ये बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुमसे पूछा है, क्यों और जगह तो भी नहीं पूछा, यहाँ पे क्यों पूछा है, इसलिए तो पूछा है मैंने, मुझे पता है तुम्हारी हरकत है।
समझ गए? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा हाँ, मैं यार सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। मुझे कोई गुप्त सूत्रों से पता चला था कि जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी मैं तुम्हें पढ़ाने छोड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी भी बंदे की शादी होती है तो पढ़ाना नहीं छोड़ता है। शादी के बाद तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, क्योंकि पहले एक ही बंदे का घर चलाना होता है, फिर दो दो लोग हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा ये रूल बहुत अजीब है कि शादी होगी तो लोग पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पहला रूल है ये, पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम। पोजीशन एटम की चेंज नहीं करनी है, जो जिससे बॉन्डेड है उससे बॉन्डेड रहेगा, समझ गए? सेकंड पॉइंट, इन रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। इट मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड्स रिमेन सेम। रेजोनेंस में सिर्फ लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो जो चार्ज होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी भी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सिग्मा बॉन्ड है वो एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट अलाउड फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ये तो देखो, ये रूल तो जनरल रूल है, रेजोनेंस का रूल नहीं है, तो जनरल रूल है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर, है ना, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सेम ही रहने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग, टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर चार्ज ऑन adjacent atoms and opposite charge on adjacent atom are less stable, ठीक है। So their contribution in resonating hybrid is very less। इतनी बात समझ आती है? Similar होंगे या तो opposite charge होंगे, तो कोई ना कोई तो होगा। मतलब नहीं नहीं एडजेसेंट एटम की बात हो रही है, एडजेसेंट एटम पे, पास पास वाले एटम पे बात हो रही है। पास पास वाले एटम पे अगर सिमिलर या अपोजिट चार्ज आता है तो वो लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं ना अपन अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, उनमें लेस स्टेबल होगा, समझे? बोलो। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं करने को। क्वेश्चन क्या है, Which of the following are resonating structure
फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है? कौन कौन सी 1,3 ब्यूटाडाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैं बना रहा हूं तुम बताना है ना। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, थर्ड वन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स। बताओ 1,3 ब्यूटाडाइन की कौन कौन सी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? पहला वाला होगा। अच्छा मैं तुमसे पूछ लेता हूँ एक एक करके, फर्स्ट वाला होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। सेकंड वाला? नहीं नहीं होगा। थर्ड वाला? होगा होगा। थर्ड वाला होगा, सभी को पता चलता है थर्ड वाला क्यों होगा? नहीं नहीं पता चल रहा थर्ड वाला क्यों होगा, ये पता नहीं चल रहा? नो सर। ये देखो ऐसा मान लो ऐसा है और इसमें एरो की डायरेक्शन ऐसे चलाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर गए तो यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के यहाँ बैठ गई। अभी मैं सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से पाई बॉन्ड कम हो गए थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। समझे? बोलो। अभी मैं सिखाऊंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना। ये वाला भी सेम बन जाएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में एरो ड्रॉ कर देने हैं। अब इसके नीचे वाला बताओ होगा या नहीं होगा? होगा। हम्म, होगा होगा। देखो मेरे रूल्स देखो, रूल्स में मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल चार्ज कुछ भी सेम रह रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगी या नहीं होगी? बोलो। नहीं 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 होगा ये वाला तो, सॉरी नहीं होगा ये वाला भी। लास्ट वाला साफ पता चल रहा है ना? बोलो। यार देखो बहुत सारे बच्चों को ये ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं एक बार ड्रॉ करना बता देता हूँ मेरा ना, ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, उससे बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी है ना। तो यही हेडिंग हम लोग डालते हैं क्या, हाउ टू ड्रॉ। देखो ये ऐसी चीजें नहीं है कि एक ही बारी में समझ आ जाए, तो नहीं आ रही तुम्हें समझ तो ऐसे लोड लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं आती एक बारी में समझ, इतनी आसानी समझ नहीं आती। एरो, एरो क्या है, एरो कैसे बनाने, तो हम बोलेंगे एरो इज ड्रॉ फ्रॉम लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे एरो है ना। कौन से वाले केस में? पाई सिग्मा लोन पेयर या फिर पाई सिग्मा एनायन वाले केस में, लोन पेयर या पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा एनायन वाले केस में एरो जो होंगे वो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एरो इज ड्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से एरो स्टार्ट होगा किस केस में, पाई सिग्मा पाई वाले केस में या फिर पाई सिग्मा केटायन वाले केस में, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ड्रॉ कर करके बताता हूँ कैसे, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। Draw the resonating structure and resonating
हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी है और रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बनाना है, ठीक है। जैसे पहले स्ट्रक्चर दी हमको, सारी नहीं बना बना के बता रहा हूँ ना, ये इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन है पहले ये बताओ। पाई सिग्मा एन आयन, पाई सिग्मा एन आयन का कॉन्जुगेशन है, तो एरो कहाँ से ड्रॉ होगा, एरो ड्रॉ होगा एन आयन से, है ना, तो एन आयन से चलेगा एरो, पहले तो यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बीच वाला कार्बन है उसके बॉन्ड देखो पांच हो जाएंगे, क्योंकि उस कार्बन पे हाइड्रोजन भी जो हमें दिख नहीं रहा होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आगे जाके बैठ जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि बीच वाले कार्बन के ज्यादा बॉन्ड्स हो रहे थे इसलिए। अब एक ऐसी होगी स्ट्रक्चर, अब कुछ इस तरह से दिख रही है, बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ इन दोनों की अगर मैं हाइब्रिड बनाना चाहूं तो हाइब्रिड कैसा बनेगा, ऐसा, इतना तो सभी में है ही, सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, और आधा बॉन्ड यहाँ पे और आधा बॉन्ड यहाँ पे, और चार्ज भी माइनस हाफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये बॉन्ड भी इक्वली डिवाइड कर दिए मैंने, चार्ज भी इक्वली डिवाइड कर दिया, क्यों, हाइब्रिड बना दिया ना। हाँ, तो इक्वली क्यों डिवाइड किया है, स्टेबिलिटी सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, समझे। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे ही प्लस चार्ज होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होता, पाई से कैटायन की तरफ, तो ये यहाँ पे आगे बॉन्ड बना लेता, तो क्या होता, देखो यहाँ पर इसने बॉन्ड बना लिया है तो प्लस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर, ऐसा ही होता, बोलो। हाँ सर। अब देखो हाइब्रिड कैसा होगा, आधा बॉन्ड यहाँ आधा बॉन्ड यहाँ, प्लस हाफ का चार्ज यहाँ और प्लस हाफ का चार्ज यहाँ, प्लस हाफ का चार्ज क्यों लगा है, स्टेबिलिटी सेम है। चलिए थर्ड वाला, थर्ड वाला मान लीजिए मैं ऐसे नहीं बना के ऐसे ही बनाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, बताओ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, लोन पेयर से शुरू होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लोन पेयर से शुरू होगा, क्योंकि मैंने बोला है पाई सिग्मा लोन पेयर में, लोन पेयर से ही शुरू होगा। ये यहाँ पर अगर इसने बॉन्ड बना लिया तो कार्बन के पांच बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ आगे आके बैठना पड़ेगा। तो अब क्या बन गया ये सी एच टू, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एन एच टू और उस पर प्लस चार्ज, क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, नहीं। कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। अब देखो मैं हाइब्रिड बनाऊंगा, हाइब्रिड देखना, हाइब्रिड किसके अकॉर्डिंग बनेगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में पार्शली बॉन्ड बना लिए मैंने, डबल बॉन्ड पार्शली। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बोल रही है दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ठीक है, पर सेकंड वाली स्ट्रक्चर की भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी मुझे, थोड़ी बहुत उसके अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा। अच्छा मैं अगर देखो एक क्वेश्चन और अच्छा पूछता हूँ तुमसे, अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की मैं बोलता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर जो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर मैं बोलता हूँ एक्स, और कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलता हूँ मैं वाई, तो कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा, एक्स, तो मैं बोलूंगा एक्स बड़ा होगा वाई से। देखो कार्बन कार्बन में पहली स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, दूसरी में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन में पहली में सिंगल बॉन्ड है दूसरी में डबल बॉन्ड है, तो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाली का, तो इसलिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होंगे सिंगल बॉन्ड के कम, और कार्बन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड के कम। ये बात समझ आती है सभी को इतना, यस सर। चलिए अच्छी बात है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, है ना,
इस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका रेजोनेंस हाइब्रिड तुम बना के बताना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 इसका बना के बताओ, 2 मिनट का टाइम है, सभी लोग इसका बना के बताएंगे। बताओ क्या होगा, बना दिया क्या सर? ट्रिपल बॉन्ड होगा एक जगह और एक जगह सिंगल। अच्छा हाँ सर, पैरेलल ऑर्बिटल नहीं है इसलिए। हाँ समझ गए, इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, पैरेलल ऑर्बिटल भी नहीं है, ना ही कोई कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई वाला। फिफ्थ, मान लो ऐसा अगर तुम्हें दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, तो इसका कैसा बनाओगे? ऐसा ही तो बनेगा कि ये आधा इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये यहां से आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहां से इधर गया, तो CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। समझे क्या? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए सिक्स एक मैं तुम्हें बनाने को देता हूँ, वो तुम मुझे बना के बताओ, है ना? CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये बना के बताओ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताओ जल्दी से सभी बच्चे। देखो मैं इसमें कॉन्जुगेशन का टाइप बता देता हूं तुम्हें, पाई सिग्मा पाई, सर दो क्या हुआ इसके और दो बने, क्या बोल रहा है? और इसके और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ देखो मैं बना के बता दो। हाँ हाँ बोलो बोलो। होएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और एक सी में, एक CH2 में प्लस और एक CH2 में माइनस। सही बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक बार तो ऐसे करवा दो, क्योंकि पाई से किस भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है ना, पाई सिग्मा पाई है, तो पाई से होगा चाहे लेफ्ट वाले पाई से हो चाहे राइट वाले पाई से हो, तो ऐसे हो जाएगा एक बार तो कैसा बना ये? ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2, तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। ऐसे अगर फ्लो ऑफ डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो कैसा बनेगा? CH2 माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 प्लस। समझे मेरी बात को? बोलो। यस सर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट 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 ज्यादा, सेकंड और थर्ड में इक्वल इक्वल होगी, ठीक है? अब हम लोग क्या बनाते हैं इनका हाइब्रिड। अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाए तो हाइब्रिड कैसा बनेगा? देखो मैं बना के बता रहा हूं, तुम बताना सही बनाया है या गलत बनाया है ना। सही बनाया है क्या? हाँ नहीं सर, वो डेल्टा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस।
देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर बोलता है कि किसी पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, सेकंड स्ट्रक्चर बोलता है कि लेफ्ट वाले कार्बन पे प्लस आना चाहिए, थर्ड स्ट्रक्चर बोलता है लेफ्ट वाले कार्बन पे माइनस आना चाहिए। तो क्या प्लस और माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया? बोलो। सेकंड और थर्ड की तो स्टेबिलिटी सेम है ना, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट भी तो कर देंगे, नेग्लेक्ट क्या नलीफाई भी तो कर देंगे, तो इसलिए किसी पे कोई चार्ज नहीं आया, समझे? बोलो। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन किधर होगा? लोन पेयर से पाई इधर। लोन पेयर इधर गया, पाई इधर गया, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH2 पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ये सिर्फ एक यही स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखो इसका मैं हाइब्रिड अगर बनाना चाहूं तो इसका हाइब्रिड क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या? देखना, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, सही बनाया क्या मैंने हाइब्रिड? हाँ सर। यस सर। ये मैंने बनाया है क्या हाइब्रिड। चलिए अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ रहा है। तो और क्वेश्चन करिए, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में मुझे बताइए CH2 डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, इसमें बताइए क्या होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NH3 पे प्लस लगा है, तो जब N पे प्लस होता है तो उसी चार ही बॉन्ड बना सकते। अब देखो NH3 पर प्लस लगा है, अगर तुम जबरदस्ती रेजोनेंस कराओगे तो नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? पांच बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? बोलो। समझ रहा हूं। जबरदस्ती रेजोनेंस करवा के देखोगे तो वो सही नहीं रहेगा हमारे लिए, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, इसमें करवा के बताओ यार, इसमें बताओ। नाइन्थ में क्या होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन? पाई से पॉजिटिव की तरफ। देखो हमने अभी तक कॉन्जुगेशन क्या पढ़ा है, पाई सिग्मा कैटायन, बट ये कॉन्जुगेशन ऐसा भी हो सकता है पाई सिग्मा पाई, हाँ सॉरी पाई सिग्मा पाई कैटायन ऐसा भी हो सकता है, या फिर पाई सिग्मा पाई कैटायन, इस तरह का भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, मतलब पाई सिग्मा पाई चल सकते हैं। तो वैसा ही तो यहाँ पर हो रहा है, पाई सिग्मा पाई कैटायन। तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, ये इधर गया और ये इस पे चला जाएगा, तो कैसा बना? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2, इसके ऊपर लोन पेयर बन जाएगा क्योंकि वो एक चार्ज आ गया उधर और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो दो स्ट्रक्चर मैंने बना दी, एक तो फर्स्ट वाली थी ये, एक सेकेंड वाली थी ये। स्टेबिलिटी बताओ दोनों की, कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला इज मोर स्टेबल देन सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाली स्ट्रक्चर में तो कार्बन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, जिस कार्बन में प्लस आ रहा है उसका देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हो? बोलो। यस सर। ठीक है, हाइब्रिड हाँ ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो चलता है,
ऑक्टेट पूरा होना कंपलसरी है, फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, समझ रहे हो बात को? मैंने हाइब्रिड बनाया है, ये देखो हाइब्रिड, क्या मेरा हाइब्रिड सही है क्या? बोलो। Yes, अच्छा ये तो था मेरा हाइब्रिड, टेंथ वाले में बताओ, टेंथ वाले में क्या होगा? टेंथ वाले में क्या होगा? नहीं होगा, नो रेजोनेंस। ये वैसा ही एग्जांपल है जैसा एट्थ वाला था, हाइड्रोजन, जैसे एट्थ वाले में तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा था, वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, समझे? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अरे यार एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। हेलो, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। टेंथ वाला समझ आ गया? बोलो, टेंथ वाला क्लियर है? ठीक है, अब इलेवेंथ वाला देखना है, इलेवेंथ वाला बताओ, इलेवेंथ वाले में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? ये इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? होगा कैसे? होगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, BH2। नहीं देखो, इसमें मैं बताता हूं तुम्हें, जो ये बोरोन है ना, ये तीन ही बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब यहां पर क्या है, बोरोन का वैकेंट प्योर वाइटल है। बोरोन का देखो, बोरोन में तुमने देखा हो ना BCl3 BF3, वो लुईस एसिड होता है, क्यों? क्योंकि उसमें वैकेंट प्योर वाइटल होता है, तो इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो। पढ़ा होगा ऐसा? हाँ सर। तो पाई सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, तो ये बस इधर जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड BH2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बन गया, समझे? बोलो। ठीक है, अच्छा अब मैं बताना अब क्या होगा, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH3 नेगेटिव, इसमें तो बी का बहुत कुछ भरा हुआ है। हाँ तो क्या होगा यहाँ पर? नहीं होगा। मैथ्स का क्लास चल रहा है क्या तुम लोगों का? ऐसा आवाज आ रही है पीछे से, अजीब अजीब सी। नो रेजोनेंस, यहां पर देखो बोरोन का, कोई भी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, समझे मेरी बात को? बोलो। चलिए अब मैं नोट डाल के तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, जो जनरल पॉइंट्स है, जिनका कोई थ्योरी से ज्यादा लेना देना नहीं है, बट वो उनको लिखवाना जरूरी है, इसलिए उन पॉइंट्स को मैं लिखवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें सभी लोग, समझ रहे हो? ठीक है, तो नोट का पहला पॉइंट, नोट वाले पॉइंट कुछ अलग रंगों में करते हैं हम लोग। नोट का पहला पॉइंट देखो क्या है पॉइंट, मान लो ये स्ट्रक्चर मैंने एक तुम्हें दी, ये कौन है, ये कौन है, क्या नाम है इसका? एनिलीन। ये है एनिलीन, ठीक है? अब इसमें रेजोनेंस में करवाता हूं, पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यहाँ आया,
और ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया पाई सिग्मा लोन पेयर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा डबल बॉन्ड एन एच टू NH2 पर प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये अब देखो अब कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है तुम्हें इसमें, अब कौन सा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा एनायन, तो ये इधर गया और ये उठ के यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये क्या बना, ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ और NH2 कॉन्जुगेशन ही देखना पड़ेगा तो ही होगा। हाँ कॉन्जुगेशन तो देखना ही पड़ेगा, बिना कॉन्जुगेशन के मन से कुछ नहीं करवाना है। समझ गए? अब अगेन हमने देखा पाई सिग्मा एनायन का कॉन्जुगेशन है और हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसी डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो इधर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, पाई सिग्मा पाई, नहीं हम लोग वो कंजुगेशन देख नहीं रहे ना, हम लोग जो हमारे काम का वो ही देख रहे हैं, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पाई सिग्मा पाई तुम्हारी बात सही है वो भी हो जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, एक स्टेप बीच में एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तुम जो बोल रहे हो ना वो भी हो जाएगा बट एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं बीच में, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब अगर मान लो वापस से मैं इसको ऐसे करूं, ये यूं और ये यूं, तो देखो मुझे कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो क्या चेंज आया है, बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन से वो चेंज हो गए हैं ना, तो ये ऐसा करना तुम्हें आना चाहिए, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना आना चाहिए, बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना तुम्हें आना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बातें क्या है वो सुन लो, वो है मेरी काम की बातें, ठीक है, इम्पोर्टेंट बातें क्या है वो सुन ले सभी लोग, देखो इम्पोर्टेंट बात नंबर एक, ठीक है, पहली चीज लोन पेयर इज डी लोकेलाइज्ड, कौन सा लोन पेयर, NH2 वाला जो नाइट्रोजन के ऊपर बैठा हुआ है वो, सेकंड थिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। नाइट्रोजन के पास देखो तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब स्टेरिक नंबर चार हो गया तो sp3 होना चाहिए था, बट लोन पेयर को क्या हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो कॉन्जुगेशन में तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ तीन सिग्मा बॉन्ड से, तीन सिग्मा बॉन्ड से स्टेरिक नंबर थ्री, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। और ये देखो एक्चुअल में ये है क्या, दिस इज 8π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे तुमको एनिलीन का स्ट्रक्चर दे दिया, तुमसे पूछा कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो तुम कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे, सिक्स दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है बट सिक्स नहीं बोलोगे, क्योंकि जो लोन पेयर है, लोन पेयर है वो भी पाई बॉन्ड बना रहे, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 8π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, समझे। लास्ट पॉइंट लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, प्योर प्योर वाइटल में, समझे या नहीं समझे, बोलो। yes, चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं, नोट का दूसरा पॉइंट है ना, एनिलिन की कहानी खत्म, सेकेंड पॉइंट अब किसकी कहानी गाएंगे हम लोग, हम गाएंगे अब किसको गाने वाले हैं, हम गाते हैं अब इसको, कौन है यार ये, कौन है, पाइरिडीन, दिस इज अ पाइरिडीन, पिरिडीन पाइरिडीन कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके बारे में तो मैं कहानी डायरेक्टली गा देता हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, हाँ नहीं करता, हम लोग बोलेंगे लोन पेयर इज लोकेलाइज्ड,
डीलोकलाइज नहीं है, लोन पेयर क्या है? लोकलाइज है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का? sp2, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर sp2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है यहाँ पे? सिक्स का है ना, लोन पेयर थोड़ी पाई बॉन्ड बना रहा है, तुम लोग क्या बोलेंगे? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ठीक है। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है बताओ? हाइब्रिड और बाइटल प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड और बाइटल, समझे या नहीं समझे बोलो। अरे समझ आ रही है या हवा में जा रहा है? सब समझ रहा है। चलो एक की और गाथा गा देता हूँ, फिर समझ रहा है तो। ये कौन है? कौन है? कौन है? पहली बार देखा इसको, पाइरोल को। पायरोल है, मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने पायरोल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है ना। मुझे इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, या तो दो वाई आते हैं दो आर आते हैं, कुछ तो ऐसा होता है इसमें ना। एक बार चेक कर लेना गूगल पे, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। पायरोल दो आर आते हैं ना, मुझे वही, मेरे को पता है, पता मेरे को सब होता है, बट क्या होता है ज्यादा दिमाग से। पायरोल है, ठीक है। अब देखो पायरोल में क्या होगा, अगेन पायरोल का भी हम लोग देखते हैं, करते हैं क्रियाक्रम का। ये इधर जाएगा लोन पेयर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ चला जाएगा, ऐसा ही होगा? हाँ सर। ये एन एच यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव, ये यहाँ इस पर नेगेटिव। अब अगेन ये यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी जाके, तो ये यहाँ ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था ही और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, क्या करें? इसके बाद कुछ ऐसा होगा, देखो कि अगर मैं इस पाई इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लाऊं, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? पांच, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आगे चली जाएगी, समझ रहे हो? बोलो। बोलो यार। सर वो लास्ट वाला नहीं समझा। अगर मान लो मैं नेगेटिव चार्ज में आता हूँ तो नाइट्रोजन पांच बॉन्ड बना लेगा ना, जो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे को एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा, इसलिए इसके आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने आगे ले लिया है, बस यही किया है, समझे? बोलो। क्या हुआ बोलो यार? समझा सर। लोन पेयर इज डीलोकलाइज क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है? sp2, ठीक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। हम बोलेंगे लोन पेयर इज प्रेजेंट इन कहाँ? प्योर पी और बाइटल, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो चौथा एक और ले लेते हैं, तुम्हारी इच्छा की पूरी पूर्ति करते हैं हम लोग। ऐसा ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं, बस ये बता दो मेरे को। नहीं करता ना, ठीक है। अब देखो ये नहीं करता, इतनी बात तो तुम्हें पता है, तो बस वही चीज में लिखता हूँ। पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, नहीं करता इसलिए लोकलाइज्ड होगा,
अब इस ग्रीन कार्बन की बात चल रही है, जो ग्रीन डॉट वाला कार्बन है ना, उसी की बात चल रही है सारी। सेकंड पॉइंट क्या, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना है? अब यहां पे देखो कुछ पॉइंट्स खतरनाक आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना है? इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं ये बताओ। तीन सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो कार्बन के टोटल बॉन्ड हो गए चार, फिर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे कार्बन ने बताओ? दो 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 बना रखे हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp क्या sp sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? दो सिग्मा बॉन्ड से तो sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? नहीं नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp नहीं होगा, sp2 होगा। क्यों होगा बताता हूं अभी। कितना पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोलो। अच्छा तुम याद करना एक बात, जब मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने एक चीज तुम्हें लिखवाई थी, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड वेकेंट, तीनों टाइप के ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में। यहां पर देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp2 है। इसमें से s और p से तो क्या बना रहा है, ये दो सिग्मा बॉन्ड, और एक p से क्या बना रहा है, एक पाई बॉन्ड, और एक और जो p है वो क्या है, क्या है वो, खाली पड़ा है? उसमें कौन प्रेजेंट है उस खाली में? पैर बॉन्डिंग। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। बोलो। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज किसमें पार्टिसिपेट करे? पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रेजेंट, वो तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से है ना। हाँ तो खाली है ना, वो वैकेंट है, मतलब मैंने बोल दिया उसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक s है, दो p है, एक p और है, तो s और p से मिला के तो उसने दो सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक p में पॉजिटिव है, एक p से वो पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक तो खाली पड़ा है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन तुमने बोल दिया sp, मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये बात समझ आई है नहीं आई? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने तुम्हें लिखवाया था हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे पोस्टुलेट्स में कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट तीनों टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पर ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये भी किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में। और वैकेंट ऑर्बिटल में कौन है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ने भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, ताकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी नहीं रहे, एसपी2 हो जाए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है। क्लियर हुआ ये मामला? फिफ्थ पॉइंट क्या है नोट का, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट करता है ब्लेशन में या नहीं करता? नहीं करता ना, ठीक है। देखो अब इसके पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और एक ग्रीन वाला कार्बन है उसी पर स्टडी कर रहे हैं हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या है, क्या है? sp2। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है? हाइब्रिड में या प्योर में बताओ 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 प्योर में
हाइब्रिड में प्योर प्योर में प्रेजेंट होता तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 थोड़ी आता, फिर तो sp आता ना। सॉरी बोलने में मिस्टेक। समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है बोलो। यस सर। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, तुमको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूँ, है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जो हमारा संडे को एक और हम लोग जो पिछली बार जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए संडे को एक और टेस्ट ले रहे हैं, पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, और उसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर और इंटीजर और मैचिंग सारे क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट का टेस्ट होगा और 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल। समझ गए? यस सर। ठीक है।